हेलो हाय, इसमें मैं ईडियम और फ्रेजेस रखूँगा इस प्लेलिस्ट में। आप लोगों को ईडियम फ्रेजेस एसएससी सीपीओ या एसएससी स्टेनो में तो ज़्यादा ही मिलता है, हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं जिसमें इंग्लिश होता है। ठीक है, तो इसमें इस प्लेलिस्ट में मैं केवल अल्फ़ाबेट जैसे कि ए, अभी आप देख रहे होंगे ए से जितने भी बनने वाले ईडियम और फ्रेजेस होते हैं वो मैं इस वीडियो में रखूँगा। इसी तरीके से बी सी डी आगे तक जेड तक बनाऊंगा मैं। जो आप लोगों को याद नहीं हो पाता है वो लिख लेना, बाकी जो याद है उसको स्किप कर देना। ये सारे अल्फ़ाबेट ए के इम्पोर्टेंट ईडियम और फ्रेजेस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं देर ना करके। पहला है अबी हाइव। इसका मतलब है एक व्यस्त जगह। अबी हाइव लिया गया है मतलब जो बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, उसके वहाँ से लिया गया है ये वर्ड। तो इसका मतलब होता है एक व्यस्त जगह। फिर है अबोन, अबोन टू पिक, एक विवाद जिसे निपटाना हो, मतलब झगड़े की जड़ जो है। बोन मतलब हड्डी होती है, उसी तरीके से वहाँ से पिक किया गया है, एक विवाद जिसे निपटाना हो। अबोन टू पिक, ये कुत्ता एक हड्डी को लेके झगड़ा करता रहता है। फिर एक नेक्स्ट है, ये बहुत ईजी है, अ केक वॉक। अ केक वॉक मतलब बहुत आसान कार्य है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। हाँ, फिर उसके बाद है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, बहुत कंजूस व्यक्ति को बोलते हैं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। फिर अ डाइम अ डजन, एकदम साधारण। फिर अ फ्लैश इन द पैन, इसका मतलब है अचानक परंतु क्षणिक सफलता, मतलब बहुत अचानक बहुत कम टाइम के लिए सफलता मिलती है किसी को, तो उसको बोलते हैं अ फ्लैश इन द पैन। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये याद नहीं हो पाएगा, फ्लैश इन द पैन। फिर अ फ्लाइंग विजिट, थोड़ी देर का मतलब बहुत क्षण क्षण क्षणिक कोई आया है तो उसको फ्लाइंग विजिट बोलते हैं, जैसे आपके घर कोई आ जाता है। अ गोल्डन मैन, अ गोल्डन मीन, एक बीच का रास्ता, मतलब जो ना तुम्हारा ना मेरा एक बीच का रास्ता निकालते हैं तो उसे गोल्डन मीन बोलते हैं। मीन का मतलब माध्य होता है वैसे इंग्लिश हिंदी में। फिर अ हरकुलियन टास्क, हरकुलस से बना है ये, बहुत कठिन कार्य को बोला जाता है हरक्यूलियन टास्क। फिर है अ नाइन डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी को इंग्लिश में बोला जाता है अ नाइन डेज वंडर। फिर है अ पेनेलोप्स वेब, कभी समाप्त नहीं होने वाला, मतलब ऐसी ऐसा जाल जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, अ पेनेलोप्स वेब। फिर है अ सोर पॉइंट, एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज या शर्मिंदा कर सकता है, अ सोर पॉइंट। फिर अ स्क्वायर डील, ईमानदारी भरा बर्ताव या कोई काम, स्क्वायर डील है मतलब कोई विवाद ना हो जिस काम पे, उसको बोलते हैं ऑनेस्टी वाला काम, अ स्क्वायर डील। फिर अ स्टैंडिंग जोक, मजाक या हंसी का विषय, कोई स्टैंडिंग कॉमेडी भी करता है तो मजाक या हंसी का विषय पे ही करता है तो उसके लिए यूज़ होता है अ स्टैंडिंग जोक। फिर अबाउट फेस या अबाउट टर्न, अपने विचार या दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव, मतलब जो तुमने बोला ही उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हो, तो अबाउट फेस या अबाउट टर्न यूज़ करते हैं उसके लिए। फिर है अबाउट बोर्ड, स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा, मतलब एक लिमिट होता है उससे भी स्पष्ट तरीके से किसी ने बताया, अबाउट बोर्ड बताया है तो उसको यूज़ करेंगे हम अबाउट बोर्ड। फिर अबाउट पार, साधारण से ऊंचे स्तर का, मतलब ये बिल्कुल साधारण जो होता है, ऑर्डिनरी काम होता है, उससे भी ऊंचे स्तर के लिए हम अबाउट पार यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद एस अप वन स्लीव, एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज़ जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं हो, एस अप वन स्लीव। ठीक है, एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज़ जिसके बारे में दूसरों को पता ना हो उसके लिए यूज़ होता है एस अप वन स्लीव। फिर अचिलीज हील, कमज़ोर पहलू को यूज़ करते हैं, अचिलीज हील इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत। फिर एसिड टेस्ट, कठिन परीक्षा के लिए एसिड टेस्ट यूज़ करते हैं हम, जो आपको याद नहीं होता या फिर सारे ही लिखना चाहते हो तो आप सारे ही लिख लेना, यहाँ पे एक बार डिस्कशन हो जाएगा जिससे कि आप लोगों को एक बार दिमाग में रुक जाएगा, क्योंकि डिस्कशन से बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं। फिर ऐड फ्यूल टू द फायर, ये तो आपको पता ही होगा, भड़काना, स्थिति को और बदतर बना देना, जले पे नमक छिड़कने के लिए हम हिंदी में यूज़ करते हैं मुहावरा। फिर ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पे नमक छिड़ना यहाँ पे होता है, जले पे नमक छिड़कने वाला, ये भी सेम मीनिंग देता है, स्थिति को बदतर बना देने के लिए। फिर अलाइव एंड किकिंग, सक्रिय एवं स्वस्थ, मतलब चलता फिरता बिल्कुल
स्वस्थ है, तो उसको लिए हम यूज़ करेंगे अलाइव एंड किकिंग। ऑल एगॉग आश्चर्यचकित के लिए यूज़ करते हैं ऑल एगॉग। फिर ऑल एंड सन्ड्री सभी लोग, ऑल एंड सन्ड्री मतलब जितने भी यहाँ पे मौजूद है सभी के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल एंड सन्ड्री। ऑल ईयर्स सुनने को पूरी तरह उत्सुक, बोलते हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ ऑल ईयर्स, तो सुनने को पूरी तरह उत्सुक है वो जो ये इडियम यूज़ करता है। फिर ऑल ग्रीक अनजान या विषय आदि, मतलब कोई ऐसा अनजान विषय मतलब जो पता ही ना हो, ऑल ग्रीक मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में आप क्या बोल रहे हो, इस टाइप से ऑल ग्रीक यूज़ करते हैं। फिर ऑल मून साइन एकदम झूठी या भ्रामक बात, बिल्कुल मतलब किसी का कोई और पेना ना हो किसी बात का, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम ऑल मून साइन। फिर है नेक्स्ट ऑल वंस माइट एंड मेन, पूरी शक्ति या क्षमता लगा देना किसी चीज़ के लिए ऑल वंस माइट एंड मेन। फिर है नेक्स्ट ऑल थम काम करने में बेढंगा, मतलब बिल्कुल अंगूठा छाप इसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर आल्मा मेटर ये तो पता ही होगा, पढ़ाई का पहला संस्थान मतलब पहले जहाँ पे आदमी पढ़ रहा होता है स्कूल कॉलेज के लिए हम आल्मा मेटर यूज़ करते हैं। फिर अल्टर ईगो बहुत नज़दीकी दोस्त को बोलते हैं अल्टर ईगो। फिर एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसे के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसी आँख वैसी मतलब तुम आँख दिखा रहे हो वैसे मैं आँख दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड विवाद झगड़े की जड़ के लिए हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई बहुत प्यारा जहाँ पे होगा, ये बहुत कॉमन दोनों है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और एप्पल ऑफ वंस आई बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर एप्पल पाई ऑर्डर साफ़ सुथरा है और सुव्यवस्थित, नीट एंड क्लीन के लिए यूज़ करते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। फिर नेक्स्ट है आर्म चेयर क्रिटिक, जो हकीकत से परे चीज़ों के सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता है, मतलब कोई चीज़ हकीकत से परे है उसको भी सिद्धांतिक आलोचना करता है, तो आर्म चेयर क्रिटिक बोलते हैं उसको, बैठा बैठे केवल बातें बनाता है। फिर नेक्स्ट है आर्म टू द टीथ, हथियारों से लैस, आर्म टू द टीथ मतलब बिल्कुल सारे हथियार हैं उसके पास। अराउंड द क्लॉक पूरे समय या 2400 घंटे, अराउंड द क्लॉक यूज़ करते हैं हम जब 2400 घंटे किसी चीज़ के लिए कोई यूज़ करता है वाक्य में, तो अराउंड द क्लॉक यूज़ किया जाता है। फिर अराउंड इन द क्विवर रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे, मतलब एक तरीके से आप बिल्कुल तैयार हो किसी चीज़ के लिए, जैसे आप स्टेनो के एग्ज़ाम देने रहे हो या फिर CPSI का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो, तो इन चीज़ों को आप रणनीति के तहत लिखते जा रहे हो, अपने नोट्स बनाते जा रहे हो, तो वहाँ पे आप एरो इन द क्विवर यूज़ करेंगे, अपना एरो आपने रख रखा है, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ मार दोगे तीर को। फिर है एज डाफ्ट एज अब्रस एकदम मूर्ख, एज डाफ्ट एज अब्रस एकदम मूर्ख के लिए यूज़ करेंगे। एज द क्रो फ्लाइज एकदम सीधी रेखा, मतलब ये क्रो के लिए यूज़ किया है, जिस तरीके से कौआ उड़ता है वो एकदम सीधी रेखा में नहीं उड़ता है वैसे तो। एट अ लॉस पूरी तरह कन्फ्यूज़, मतलब एट अ लॉस के लिए हम यूज़ करेंगे बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ के लिए, कभी कभी उल्टा मीनिंग आ जाता है ये ध्यान रखें, कहीं मीनिंग बना के आप सीधा मीनिंग लिखने की कोशिश करें, इसलिए याद करने या लिखने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ मैं। फिर एट अ स्टोन्स थ्रो बहुत नज़दीक, एट आर्म्स लेंथ अपने से दूर, मतलब परहेज करने के उद्देश्य से बोला जाता है ये, अपने से दूरी रखो उन चीज़ को, अपने आर्म्स लेंथ मतलब अपने अपने पहुँच से दूरी रखो उस चीज़ को। एट क्रॉस पर्पज़ एकदम विरोधी। फिर है एट डैगर्स ड्रॉन शत्रुतापूर्ण, एट डैगर्स ड्रॉन जो है आया हुआ है ये शत्रुतापूर्ण के लिए यूज़ होता है। फिर एट लार्ज पकड़ से बाहर, कानूनी पकड़ से बाहर के लिए हम यूज़ करते हैं एट लार्ज। फिर है एट लॉजर हेड्स, एट लॉजर विरोधी या शत्रुतापूर्ण या ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा एट डैगर्स ड्रॉन उसके लिए यूज़ होता है एट लॉगर्स हेड। फिर एट लूज एंड्स, एट लूज एंड्स का बेरोजगार या बेचैन के लिए यूज़ करते हैं हम। फिर है एट ऑड्स विचारों में विरोधी, मतलब तुम्हारे कुछ और विचार हैं मेरे कुछ और विचार हैं, तो उसको एट ऑड्स से यूज़ करेंगे हम। फिर एट रैंडम बिना कारण के, एट रैंडम भी यूज़ करते हैं बिना कारण के, किसी किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट करने के लिए एट रैंडम बोलते हैं। फिर एट सी मतलब समंदर में फंसा पड़ा बिल्कुल कन्फ्यूज़ है। फिर एट सिक्स एंड सेवेंस
तितर बितर के लिए यूज़ करते हैं, सिक्स एंड सेवन इंग्लिश में इडियम है ये, बहुत अच्छा तितर बितर के लिए यूज़ करते हैं। फिर एट स्नेल पेस, धीमी गति से, आपने देखा होगा समुद्र में स्नेल चलते हैं, बहुत धीमी गति से यूज चलते हैं वो, तो उसकी स्पीड से कोई चल रहा है तो वहाँ पे हम ईडियम यूज़ करेंगे एट स्नेल्स पेस। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, तो एट अ ड्रॉप ऑफ हैट, तुरंत बिना देर किए, मतलब हैट गिरते ही, इस टाइप का कोई ईडियम होगा। एट द एंड ऑफ योर टेथर, सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक, मतलब जहाँ तक आपका बियरिंग पॉइंट है वहाँ तक यूज़ करते हो, सहन शक्ति यूज़ करते हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ योर थेथर। एट द फर्स्ट ब्लस, पहली नज़र में, एट द फर्स्ट ब्लस मतलब पहली नज़र में के लिए यूज़ करेंगे एट द फर्स्ट ब्लस, फर्स्ट ब्लस। एट वंस विट्स एंड, पूरी तरह कन्फ्यूज़ के लिए हम यूज़ करेंगे एट सी जैसे था ऊपर, उससे भी पहले एक था। फिर एवरेज इट्स सेल्फ आउट, संतुलन बनाना, इट्स सेल्फ आउट, संतुलन खुद बना रहे हो, एवरेज इट्स सेल्फ आउट, तो वहाँ पे संतुलन बनाना मीनिंग निकलेगा। फिर अवे इंस्पायरिंग, आ इंस्पायरिंग बोलेंगे, अवे इंस्पायरिंग बोलेंगे, भय पैदा करने वाला अपने गुणों के कारण, कोई आदमी आ इंस्पायरिंग मतलब भय पैदा कर रहा है तो वहाँ पे ये ईडियम यूज़ होगा। फिर एक्स टू ग्रिंड, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए जो मीनिंग है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई अपना काम करता है निकालने के लिए, तो एक्स टू ग्रिंड कहलाता है, मतलब ईडियम में हम यूज़ करते हैं। तो ये एक से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे, मतलब आए हुए एसएससी में, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, आपको जो लगता है कि आपको याद नहीं हो सकता वो लिख लें, अपना नोट्स बनाते हुए चलें प्रॉपर। मैं इस वीडियो में केवल यही रखूँगा इस प्लेलिस्ट में, ठीक है? तो अच्छा लगे तो बताएं, इसको मैं प्रोसीड करूँगा, बी के लिए भी बनाऊँगा, सी के लिए बनाऊँगा, बाकी नहीं लगता है तो फिर डिसकंटिन्यू कर देंगे, कुछ और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।